जितना ठंडा कीमा होगा उतना बेहतरीन कबाब बनेगा, गिरेगा नहीं। अदरवाइज अगर कीमा गर्म होगा तो ये धागा कबाब भी बनाना है, इसको सीख पे चढ़ाना ही मुश्किल हो जाएगा। यानी आप चढ़ा रहे होंगे सीख पे और ये गिरना शुरू हो जाएगा। लेकिन पहला ज़रूरी काम जो है वो इसको खूब अच्छी तरीके से गूंदने का, जो अमल है कबाब में बहुत ही अहम है। इसको इस हद तक करते हैं कि बहुत सारे लोग तो मैंने कुछ रेस्टोरेंट में काम किया था जिनके सीख कबाब बड़े मशहूर थे कराची में, वो उसको दो दो तीन तीन दफ़ा गूंदते हैं और 10-10 मिनट तक गूंदते हैं। जितना गूंदेंगे ये चीज़ें अच्छी तरीके से मिक्स होंगी, ख़ास तौर पे इसमें चिकनाई, गोश्त, मसाले और कबाब बहुत अच्छे बनेंगे। लेकिन ये दोबारा को बताता चलूँ कि इसको आपने फ्रिज में ज़रूर रखना है, कीमा ठंडा होगा तो बेहतरीन इसके कबाब बनेंगे।